रहीम आज हमने विज़िट किया है मेडिकल एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर जो कि एक आ, पी पी एच आई का जैली इदारा है आ, हमने यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्थ ऑफिसर और उनकी टीम ने और पी पी एच आई की टीम ने हम तीनों ने मिलकर जो है ना काफ़ी दिनों से एक कोशिशें कर रहे थे कि हमें एक, एक ऐसा रिस्पॉन्स बनाए कि जिसके तहत कोयटा में अगर कोरोना का आउटब्रेक होता है तो हम उसको टैकल कर सकें रिवायती चीज़ों से निकल के हम कोई ऐसी टेक्निकल इनोवेशन करें कि जिसमें चीज़ें बहुत बेहतर हो जाए उसके लिए हमने अभी बनाई है चार रैपिड रिएक्शन टीम्स जो कि इन पर मुश्तमिल है आपने खुद देखी इसमें वेंटिलेटर्स का निज़ाम तक मौजूद है इनकी लाहौर से ट्रेंड स्टाफ मौजूद है जो कि लोगों को तशीस करने का बड़ा तजर्बा रखती है इसके अलावा हमारे पास 12 स्टैटिक सेंटर्स हैं, जो कि बी एच यूज़ में इस्टबलिश्ड हैं इसके अलावा हमारे पास मोटरसाइकिल की चार टीम्स हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती तो वो मोटरसाइकिल जा सकती है होगा ये कि हमने यहाँ पे एक कंट्रोल रूम बनाया है जिसका नंबर मैं आवाम के साथ भी शेयर करता हूँ नंबर है डबल वन डबल टू बड़ा आसान सा नंबर है डबल वन डबल टू जैसे आप डबल वन डबल टू डायल डायल करेंगे इतला हमें मिलेंगी हम अपनी रैपिड रिएक्शन टीम को बताएंगे रैपिड रिएक्शन टीम जो है ना वापस उस इलाके में जाके मस्कुरा जो सस्पेक्ट है उसकी तशीस करेगी अगर वो बीमार होता है तो उसका टेस्ट लेकर हम ले कर जाएंगे फातिमा जिना हॉस्पिटल और उसको आइसोलेट कर देंगे अगर वो बीमारी उसकी साबित होती है तो फिर उसको अस्पताल में दाखिल करेंगे मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में इस वक्त इससे ज़बरदस्त तेज़ और बेहतरीन निज़ाम और कोई मौजूद नहीं है वो भी तमाम तरफ फैसिलिटीज़ के साथ मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी रिस्पॉन्स मेकेज़म ऐसा नहीं होगा कि जिसमें हमारे पास वेंटिलेटर हमारी एम्बुलेंसिस में मौजूद है इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको ये बताता चलू कि आम हालात में ये एम्बुलेंसिस वैसे नहीं खड़ी होंगी ये कोयटा के मुख्तलफ़ चौकों पर आपको नज़र आएँगे इनमें स्पीकर मौजूद है स्पीकर के ज़रिए वो लोगों में आगही मुहिम चलाएँगे और जो हमारे ये एम्बुलेंसिस के अंदर ट्रेंड स्टाफ है वो लोगों में पैम्फलेट तकसीम करके उनको बार उनको कोरोना के बारे में आगाही करेंगे अगर कोई बंदा समझता है कि वो बीमार है या उसमें कुछ शवायद मौजूद है कोरोना के तो एट द स्पॉट इनमी की कैपेसिटी है कि उनकी तशखीस करके उनको बता सके कि आपको कोरोना है या नहीं है तो ये हमारे रश वाले आबादी रश तो चूँकि आजकल मौजूद इतना नहीं है लेकिन मेन मेन चौकस पर ये एम्बुलेंसेज खड़ी होंगी जो बंदा अपनी तशखीस कराना चाहता है वो एट द स्पॉट अपनी तशखीस भी करा सकता है आ, दो तीन दिन से हम डी सी कोटा डी एस एम को अपना रेसानी साहब जो वन वन टू को ओवरऑल पूरे बलुस्तान में लीड कर रहे हैं तो हमने मिल के एक ऐसा सेटअप हमने बना दिया है कोटे में मेरा ख़्याल पूरे पाकिस्तान में इस तरह के सेटअप अभी तक जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है उसकी मैन वजह ये हमारे पास इस वक्त आठ एम्बुलेंसेज वेल इक्वड है सारे इसमें फैसलिटीज़ है जो एमरजेंसी की सूरत में किसी भी पेशेंट को जो है रिक्वायर्ड होते हैं इसके अलावा हमने बारह मोबाइल अपना जो है फिक्स हमने जो है इस्टेबलिश कर दी है उसमें हमारे 24 फोर बाई जो है सेवन हमारे स्टाफ मौजूद होंगे किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कहीं से अगर कोई हमें आ, काला आ जाती है जो 112 पे हमारे जो है वो फिर डाइवर्ट कर लेते हैं उस हमारे स्टाफ के वो जाके कोई रिस्पांस दे के उसको जाके देख लेते हैं कोई सस्पेक्टेड केस हो गया तो उनके जो है सैंपल वगैरह लेके उसको आइसोलेशन में ले जाते हैं बाकी फैमिली उनको क्वारंटाइन कर लेते हैं अगर होम कोर अगर ज़्यादा उसमें हो गया इमरजेंसी उसमें फिर हमारे दो है पी है और हमारे आर डी है वहाँ भी हम लोग उनको शिफ्ट करवा सकते हैं तो फुली इन जिस तरह की हम लोग उन्होंने इनिशिएटिव ले लिए हमने सारे जो है पी पी एच आई है हेल्थ डिपार्टमेंट है इंतजाम है तो फुली इनशाला जो कोटे के मौजूदा हालात है हमारी यही कोशिश होगी कि इन मीडिया के थ्रू जो हमारी अपनी जो है टीम्स हैं जो इस वक्त सारे डॉक्टर्स है पैरामेडिकल स्टाफ है सारे इस वक्त फ्रंट लाइन पर कड़े हैं और इन एक आखिरी हमारे एक पब्लिक के हवाले से एक मैसेज देना चाहूँगा कि इन आलात में कोशिश कर लें अपने लिए अपने बच्चों के लिए हमारे उन फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जो उनके लिए लड़ रहे हैं कम अज़ कम छंद अपने घर तक महदूद रहे ताकि हम जो एक वबा की सूरत में पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया कोरोना वायरस के नाम से जो हम आ, है हम लोग इंट्रोड्यूस हो गए पूरी दुनिया में ताकि उनके ख़िलाफ़ लड़े और इस जंग को जो हम जीत सके जैसे अभी आपको डीसी साहब ने और डी एच ने बताया ये एक कोलेबरेटेड एफर्ट है डीसी साहब इसको लीड कर रहे हैं डीसी सी इसको लीड कर रहे हैं और इसमें हम बेसिकली दो चीज़ें कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ स्टैटिक फिक्स सेंटर्स बनाए हैं जैसे कि एक के, के बाहर हम खड़े हैं वादत कॉलोनी बी एच यू वदत कॉलोनी और उसके साथ हमने आठ मोबाइल टीमें राउंड द क्लॉक बनाई हैं उनके लिए जो जो स्टेट ऑफ द आर्ट उनको हमने एम्बुलेंसेज दिए हैं लाहौर से ट्रेन हमने उनको स्टाफ दिया हुआ है और उसमें तमाम इक्पमेंट्स और तमाम जो नेसेसरी सामान है वो हमने उनको दिया है और इनकी डिप्लॉयमेंट हमने कोयटा के आठ मख्तल सेक्शंस में की है मुख्तलिफ लोकेशंस पर की है जिसपे हमारे लोग अमावक्त तैयार हैं और वो मुख्तलिफ्टों में मौजूद रहेंगे और वो दो चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट्स के जितने लोग उनके पास आएंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और कोई सस्पेक्टेड केस अगर उनके पास आता है तो उसका टेस्ट किया जाएगा और जब तक वो वहाँ पर जिन जिन इलाकों में मौजूद है तो वो सोशल मोबलॉजेशन का काम करेंगे और ये इस तरीके से फिर हमने डबल वन डबल टू का जो हमारा रिस्पांस का हेल्पलाइन है इसको गवर्नमेंट ऑफ बलोस्तान ने और डीसी साहब ने डिक्लेयर कर दिया है कोरोना के लिए तो कोई भी किसी को कोई भी मसला होता है तो डबल वन डबल टू पर डायल करें हमारी टीमें मौजूद हैं और वो टीमें आपको फ़ौर फिर हेल्प करेंगी या तो मोबाइल टीमों का आपको वो वोन पहुँच जाएंगी आपके पास या तो ये कि आपको स्टेटिक सेंटर का इन्फॉमेशन देंगी आप स्टेटिक सेंटर पर जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं या करवा सकते हैं मैं भी दोबारा यही रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि हमको अब भी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जा रहा है हमारी आवाम सब से रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा घरों में, में महदूद रहिए और अपना मिल जोल और बाहर निकलना गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलना आना जाना वो बंद कर दें और हमारी टीमों के साथ ताउन करें किसी का कोई भी मसला हो किसी भी कोई भी इशू हो तो आप अपने मोबाइल से अपने घर के नंबर से कहीं से भी डबल वन डबल टू पर डायल करेंगे और आपको आपकी सर्विस मिल जाएगी बिल्कुल ए, ये हम इसको एज ए टेस्ट केस आज से हमने इनिशिएट किया है आपने देखा कि इसकी इफ्ताह डीसी कोठा ने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसको दो से तीन दिन में इसको देखेंगे अगर आप मासिस को देखते हैं आबादी की तादाद को देखते हैं तो कोईटा में सबसे ज़्यादा आपको पता है कि आबादी की तादाद है तो हमारा सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेड केसेस भी यहाँ से आने का खतरा था तो हमने रैपिड रिस्पांस जो टीमें हमने बनाई हैं वो कोयटा को लो डील करेंगी मगर हमारी बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स पर काम कर रहे हैं वो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर मजीद केसेज़ की तादाद बढ़ने का ख़तरा ज़्यादा है तो ये जैसे जैसे ज़रूरत होगी तो उसको एक्सपेंड किया जाएगा